पाकिस्तान में एक बार फिर नई दिल्ली और इस्लामाबाद को कंपेयर किया जा रहा है। शहबाज सरकार ने अमेरिका में अपना एक होटल लीज पर दिया है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल सके, खर्चा चल सके, जबकि उसी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मोदी के रेड कार्पेट वेलकम की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान का दर्द बढ़ाने वाली दो खबरें देखिए। अमेरिका में मोदी के 21 जून से शुरू हो रहे दौरे की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कल शाम को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। ये 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी मीडिया ने अमेरिका के एनएसए की दिल्ली यात्रा जल्द शुरू होने का दावा भी कर दिया है। दिल्ली में दोनों देशों के एनएसए मिलकर मोदी की अमेरिका यात्रा का खाका तैयार करेंगे और इन दोनों खबरों की वजह से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है। इंडिया के पीएम है, उन्होंने अमेरिका जाना है। अच्छा, अब उसी के साथ कुछ और उसकी नई डेवलपमेंट्स जो है ना दोनों कंट्रीज के रिलेशंस वो सामने आ रहे हैं। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे, हिस्ट्री विल बी मेड। ये अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 13-14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां टॉप गियर पर चल रही हैं और शहबाज शरीफ डिफॉल्ट गियर लगा चुके हैं। यूएस में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क तक मोदी के वेलकम के लिए क्या क्या हो रहा है, आजकल पाकिस्तान में चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैंप डेविड जाएंगे, और आपको मजे की बात बताऊँ, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमरीकी जो सदर है उनका समर हाउस है। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे, हिस्ट्री विल बी मेड। मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड, इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल भी होगा मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में दो बातें हो रही हैं, पहली पीएम मोदी की अमेरिका दौरे की और दूसरी अमेरिका में पाकिस्तान को शर्म से पानी पानी करने वाली खबर की। असल में पाकिस्तानी सरकार ने न्यूयॉर्क में अपना रूजवेल्ट होटल लीज पर दे दिया है। इसके बदले में पाकिस्तान को 6,300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे और इन पैसों से शहबाज शरीफ कुछ और दिनों तक इस्लामाबाद का खर्चा पानी चला पाएंगे। जब किसी न्यूयॉर्क से करीब 350 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, यानी मोदी का सम्मान शुरू होने से पहले ही शहबाज बदनाम हो चुके हैं। आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूँ कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पॉल आए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे और उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आ रहे हैं। यहाँ पर वो एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे और पीएम मोदी के दौरे से पहले इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान में चर्चा है कि दोनों एनएसए के बीच बातचीत का टॉपिक जरूर चीन ही होगा। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है और जिस तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी वजह जो है वो चीन है। जब आपने एक अपनी एक खास हैसियत बना ली तो फिर आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उस हिसाब से इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि वो गैरत हवाले से जो है वो चीन को बीट कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर की चिप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो। ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में इतना सम्मान देने की तैयारी क्यों चल रही है, इसी को डिकोड करने की कोशिश इस्लामाबाद में चल रही है। इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अमरीका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में रोल डाल दिया, नंबर वन। ये दूसरी वजह है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओ। मोदी बाइडेन मिलकर चीन के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगे, इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी और पाकिस्तान पर क्या असर होगा सकारात्मक, यही सोच सोच इस्लामाबाद में सबकी जान सूख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।